जल्दी से जल्दी, चाहे आर हो या पार हो, बात खत्म हो, हमारे बच्चे भी जाएंगे उसमें, लेकिन कुछ तो बचेंगे जो हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ना हमारा बहुत जरूरी है। हिंदू राष्ट्र है हमारा, इस संस्था को कैसे बदलेंगे, सुप्रीम कोर्ट को कैसे बदला जाएगा, जो सबसे ऊपर है इसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। हमारा जो 75 साल पुराना संविधान नए भारत के लिए कहीं भी सुटेबल नहीं है, इसको बदला जाना चाहिए। मोंटाज में ये वीडियो सुना आपने, ये वीडियो है बीजेपी के नेताओं का। दरअसल मामला ये था कि कल जब सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा पर टिप्पणी की, उनको माफी मांगने के लिए कहा, तो तमाम जो हिंदुत्ववादी संगठन थे, जो संविधान के खिलाफ है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है, जो भारत में हिंदू राष्ट्र लाने की बात करते हैं, वो लोग ट्विटर स्पेस पर एक चर्चा कर रहे थे। और चर्चा में क्या था, चर्चा में ये था कि सुप्रीम कोर्ट को बंद कैसे किया जाए। उन्होंने कहा कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को जिताकर अपना प्रधानमंत्री तो बना सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमारे आदमी नहीं है, हमारे अपने लोग नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ फैसले देता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इतना कहा है कि नुपुर शर्मा को माफी मांगनी चाहिए। आप समझिए, ये लोग जो संविधान के खिलाफ है, जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, जो मनु व्यवस्था लाना चाहते हैं, जो मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं, वो ट्विटर स्पेस करते हैं खुले तौर पर, लेकिन पुलिस को इसकी खबर तक नहीं होती। वहीं जुबेर जो एक ट्वीट कर देता है, जो सेंसर बोर्ड से पास सीन होता है, उसको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल मामला ये था कि कल जब सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के खिलाफ जजमेंट दिया, टिप्पणी की, तो जो हिंदुत्ववादी संगठन थे, आरएसएस, बीजेपी और इस तरीके के जो जितने भी लोग जुड़े हुए थे, जो कट्टर मानसिकता के लोग थे, उन्होंने ट्विटर स्पेस पर एक चर्चा रखी, जिसमें यह था कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से फैसले दे रहा है, जिस तरीके से नुपुर शर्मा के खिलाफ फटकार लगाई है, तो वो लोग ये चर्चा कर रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट को बंद कैसे करवा सकें। यानी कि उनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में विश्वास ही नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कौन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ही बाबरी और राम मस्जिद का, राम जन्मभूमि का फैसला दिया था, देश के तमाम लोगों ने माना। सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायालय है, जिसको न्याय का मंदिर भी कहा जाता है। अब आप लोग समझिए, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसको बंद करने की मांग हो रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कौन लोग बाबा साहेब के संविधान के खिलाफ है, कौन लोग लोकतंत्र को नहीं मानते। तो ये एक बड़ी खबर थी। अब दूसरी बड़ी खबर ये है कि सुधीर चौधरी, जी न्यूज के सबसे बड़े पत्रकार, सीनियर पत्रकार, धमाकेदार पत्रकार, सबसे राष्ट्रवादी पत्रकार, उनको इस्तीफा देना पड़ चुका है। जी हाँ, आप सोचिए, जो लोग सवाल उठाएंगे, जो लोग सत्ता से सवाल करेंगे, बीजेपी से सवाल करेंगे, सरकार से सवाल करेंगे, यहां सवाल सिर्फ बीजेपी का नहीं है। अगर किसी राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार है, तो उससे भी अगर सवाल किया जाता है, तो वो भी उस पर एफआईआर दर्ज कर जेल में डाल दी जाती है। ये दोनों तरफ का मामला है, चाहे बंगाल में ममता बनर्जी हो, या मुंबई में उद्धव ठाकरे हो, या इस सेंटर में बीजेपी हो। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, अब सुधीर चौधरी को सवाल उठाना भारी पड़ गया। जी हाँ, दरअसल शिवसेना के जो बागी विधायक थे, जिनको बीजेपी मैनेज कर रही थी, और असम के गुवाहाटी में रेडिसन होटल में रह रहे थे, वहां पर लाखों रुपए का पर डे खर्चा आ रहा था, इसी को लेकर सुधीर चौधरी ने सवाल उठाए। क्योंकि एक तरफ उसी असम में बाढ़ आई हुई है, हजारों लोग प्रभावित है, लोगों के घर ढह गए, फैमिली जुदा हो गई, तमाम कई सैकड़ों लोगों की मौतों की भी खबर आई है। जब सुधीर चौधरी ने इस पे सवाल उठाया, तो अब उनको इस्तीफा देना पड़ गया। जी हाँ, कि किस तरीके से सुधीर चौधरी, जो समझिए बीजेपी के, उनको कहा जाता था कि ये सबसे बड़े गोदी एंकर हैं, ये बीजेपी के लिए काम करते हैं। आप समझिए कि उन्होंने एक सवाल उठाया सिर्फ, कि ये जो खर्चा हो रहा है होटल में रहने का, जो विधायकों पे लाखों रुपए रोज खर्च आ रहा है, इसकी जवाबदेही किसकी है। वहीं दूसरी तरफ असम में बाढ़ आई हुई है, लोग त्राहिमाम त्राहिमाम हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। बस इतना सवाल करना था, तो सुधीर चौधरी पर गाज गिर गई। राज इंदौरी का एक वो शेर है ना, लगेगी आग तो आएंगे घर के इज्जत में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आप समझिए, धीरे धीरे करके, एक एक करके जो चीजों को समझेगा,
जो समाज के लिए काम करेगा, जो लोगों की भलाई के लिए काम करेगा, जो सत्ता से सवाल करेगा, बीजेपी से सवाल करेगा, उसका यही हश्र होना है। देर सवेर भले ही हो सकती है, लेकिन जब आप समझेंगे चीजों को तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यही सुधीर चौधरी के साथ हुआ और उनको इस्तीफा देना पड़ गया। आप समझिए, जो सबसे बड़े राष्ट्रभक्त एंकर के नहीं हुए वो किसके होंगे। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर यह है कि उसी जी न्यूज ने राहुल गांधी के खिलाफ एक फेक खबर चला दी। अब उसको लाइव आकर माफी मांगनी पड़ी। आप अंदाजे लगाइए कि किस तरीके से गोदी मीडिया काम करती है। आपको राहुल गांधी का वो बयान फिर से दिखाना चाहते हैं जिसमें वो उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को बच्चा बता रहे। ये खबर कल हमारे कार्यक्रम डीएनए में गलत संदर्भ में प्रसारित हो गई थी, जिसका हमें खेद है। दरअसल मामला ये था, राहुल गांधी के वायनाड दफ्तर पर एसएफआई के कुछ कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी। अब जब राहुल गांधी वायनाड के 3 दिन के दौरे पर है, तो वहां पर मीडिया ने उनसे सवाल किया कि जो आपके दफ्तर पर तोड़फोड़ हुई है उसको कैसे देखते हैं, उसमें क्या था। राहुल गांधी ने कहा कि वो बच्चे हैं, ना समझी में उन्होंने किया, हम उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। इस क्लिप को उठाकर जी न्यूज ने चला दिया कि राहुल गांधी ने उदयपुर के हत्यारों को कहा बच्चा। आप समझिए कितना द्वेष भरा हुआ है अपोजिशन के खिलाफ कि वो लोग डॉक्टरेट करके बाइट को चला देते हैं। डीएनए प्रोग्राम में चलाया गया बाकायदा प्राइम टाइम पे, कितने लोगों ने देखा होगा। लेकिन जो इन्होंने माफी मांगी है वो एक छोटी सी 5 सेकंड की माफी है, वो शायद लोगों तक ना पहुंचे। तो इस तरीके से ये लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और झूठ बोलकर जो संदेश देना होता है वो पहुंचा देते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। 2000 के नोट में चिप वाला मामला आपको याद होगा, यही सुधीर चौधरी थे जो नैनो चिप की बात कर रहे थे। लेकिन आज जब इन्होंने रेडिसन ब्लू पर सवाल उठाया, बीजेपी नेताओं पर सवाल उठाया, तो इन्हीं को इस्तीफा देना पड़ गया। आप समझ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर थी। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट को बंद करने की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सुधीर चौधरी को इस्तीफा देना पड़ गया। एक खबर यह थी कि आज ही जिसमें सुधीर चौधरी काम करते हैं जी न्यूज, उसने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।